नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बापजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। और इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। और इस समय आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। अब सत्ता किसके हाथ में लगेगी ये तो 10 नवंबर को ही तय होगा, लेकिन उपचुनाव के परिणाम के घोषित होने से पहले अब एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया और आज तक न्यूज चैनल के सर्वेक्षण के मुताबिक इस बार यानी कि एमपी उपचुनाव में शिवराज सरकार को सुरक्षित माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास में यानी कि 16 से 18 सीटें जो है बीजेपी की आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हाथ में 10 से 12 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर दैनिक भास्कर के सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो बीजेपी के हाथ में यानी कि 14 से 16 सीटें जो है बीजेपी के आने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हाथ में 10 से 13 सीटें जो कि कांग्रेस के पास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है जहां पर एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि न्यूज चैनल यानी कि आज तक व एक्सिस पोल के नतीजे के मुताबिक यानी कि शिवराज सरकार जो है काफी सुरक्षित हो सकती है, यानी कि शिवराज सरकार के हाथों में काफी ज्यादा जो है सीटें आ सकती है। तो ये था वॉइस ऑफ एमपी को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट। ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।